नमस्कार। आज भी बड़ा सौभाग्य का समय है ये। हमारे बीच सबके चहेते एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर सूरज सिंह नेगी है। जितने बेहतरीन वो प्रशासक हैं, उतने ही बेहतरीन इंसान हैं। आज फिर मौका मिला है उनके नई कृति, नए उपन्यास पर उनसे बातचीत करने का। मूल प्रसंग यह है कि जनसंपर्क मंच के द्वारा शुरू की गई इस श्रृंखला में अगर लेखक है सामने हमारे, तो हम विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि उसके लेखकीय प्रबंधन जो है उस पर बातचीत की जाए। तो आज भी हमारा केंद्र यही रहेगा कि हम नेगी जी का जो यात्रा है इस लेखन की, आपके चार उपन्यास आ चुके, कहानी संग्रह आ चुका, अच्छा और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, फिर भी हर नई रचना के साथ आदमी के अपने कुछ निजी अनुभव जुड़ते हैं, तो दिल में ये इच्छा थी कि उसको सबके साथ शेयर किया जाए। तो मैं आदरणीय नेगी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी नई कृति के साथ आज इस संवाद कार्यक्रम में, साक्षात्कार में हमें लाभान्वित करें। और सबसे पहले नेगी जी, ये आपका चौथा उपन्यास है जहां तक मुझे याद है। इससे पहले भी आपके उपन्यास आए, रिश्तों की आंच आई, फिर वसीयत आए, बड़ा उपन्यास था, फिर नियति चक्र आए, अब ये सामने है हमारे पास, ये कैसा रिश्ता। तो ऐसा लगता है कि जितनी संवेदनाएं हैं जो आपके लेखन में अभिव्यक्त हुई हैं, वो मैन टू मैन है, चाहे वो पारिवारिक रिश्तों में खड़ा आदमी है या सामाजिकता को लेकर आदमी खड़ा हुआ है। बेसिक मसला यह है कि किन जीवन मूल्यों के संग हम जीना चाहिए या हम जी रहे हैं, और उसमें आपका लेखन, आपका लेखक क्या कहता है, चाहता क्या है, क्या दिशा दे रहा है। तो पहले तो आप इस पर थोड़ी सी अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना साहब। सबसे पहले मैं आपका जो ये एक मुहिम चला रखी है आपने स्वयं ने, जन सरोकार मंच के माध्यम से अनेक कलाकारों को आप सामने ला रहे हैं और लोगों से उसको रूबरू करा रहे हैं, जो उन लोगों के भीतर छिपी प्रतिभा है वो सबके सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा कार्य है आज के दौर में जी। इसके लिए मैं आपकी जितना आपको साधुवाद देना चाहो कम है। बात आपने मेरे लेखन को लेके प्रश्न उठाया है, लेखन में कई तरह के डायमेंशंस हैं, होते जी, हैं जी। सबका अपना एक निजी सोच होती है। हाँ। उसका जीवन जीने का एक तरीका होता है, उसका एक दर्शन होता है, और कोई दर्शन, कोई जीवन जीने का तरीका गलत नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है जी। और सामने वाले का दृष्टिकोण होता है कि वो उस दृष्टिकोण को कितना अपने नजदीक पाता है। तो मैंने जो लेखन की जो शुरुआत की है वो जीवन मूल्यों को, संस्कारों को जी, जीवन जी, चरित्र को जी, जो हमारे सनातन मूल्य हैं इनको केंद्र में रखकर के किया है। हो सकता है कि ये बात युवा पीढ़ी इतनी आसानी से जल्दी उसको पस नहीं पाएगी, लेकिन सच्चाई जो होती है वो सच्चाई रहेगी, और जहाँ जीवन मूल्य होने चाहिए वो जीवन मूल्य होने चाहिए, जहाँ आदर्श है वो आदर्श होने चाहिए। तो मेरे जितने भी पात्र हैं, कोशिश यही रहती है कि उन पात्रों के माध्यम से समाज को एक ऐसी दिशा दी जाए, एक ऐसा सोच डेवलप किया जाए कि वो उन मूल्यों के आसपास आने के लिए आपकी जो युवा पीढ़ी है वो प्रेरित हो। क्या बात। अब जहां तक ये जिस उपन्यास को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं बातचीत करने के लिए, जैसा कि आपके सारे जो पहले के जो आपका लेखन है, उपन्यास है, उसमें बहुत खूबसूरती से ये बात नजर आती है कि जब भी एक बच्चा अपने गांव से शहर आता है अपने अध्ययन के लिए या अपने आजीविका के लिए, तो उसका अपने गांव छूटता है,
तो अधिकांशतः देखा गया कि उस परिवार की जो महिला है, जो बड़ी है, जो माँ है, भाभी है, जो भी है बड़ी, एक छोटे नन्हे वृक्ष का पौधा वो दिया जाता है। शादी माँ की परंपरा होगी विशेष होकर, और उसके पीछे वहां की क्या सोच है, जैसा आपके उपन्यास से नजर आता है कि वो पेड़ नहीं रहता, वो एक ऐसा करैक्टर बन जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसको वो दिया गया है, कि वो जिसे अपना सा लगता है, जिसको पालता पोसता है, अंकुरित होने में मदद करता है, उसको रोपण करता है और फिर अपने दुख सुख उससे शेयर करता है। तो ये जो आपका एक सोच है कि आप पुनः स्थापित करना चाहते हैं इस बात को, तो क्या इसलिए नहीं कि जैसा कि सरकारी महकमो में बात उठ रही है कि भाई वृक्ष लगाओ, हरियाली को डेवलप करो, पर्यावरण को बचाओ, तो क्या ऐसी कोई सोच है या सिर्फ वहां का आंचलिक जो प्रभाव है आप उसी को लेके आए हैं? देखिए, ये जो दो उपन्यासों में पहले रिश्तों की हाथ जो आई जी, उसमें उसकी जो रामप्रसाद की माँ है जी, वो उसे गांव से विदा कराते वक्त उसको एक छोटा सा नीम का पौध देती है। ठीक है। और इस जो नया जो उपन्यास है ये कैसा रिश्ता है, इसमें भी पद्मा जिसके लिए पूरे जीने मरने की बात आती है वो एक बाजनी आम का पेड़ है। ठीक। तो ये दृष्टिकोण हो सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ बचाने के लिए, लेकिन जिस पृष्ठभूमि में ये उपन्यास गढ़े गए हैं वहाँ ऐसा कोई इतनी समस्या नहीं है हरियाली की, पूरा का पूरा क्षेत्र हरियाली से आच्छादित है। जो इसके पीछे दर्शन है, दर्शन रहा है इस चीज को लाने के पीछे, वो ये है कि उस पेड़ को देने के बाद वो पेड़ उस बच्चे के साथ जीवन पर्यंत रहेगा और वो वहाँ की माटी की जो सुगंध है वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उस पेड़ के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई रहेंगी। और उत्तराखंड में ये परंपरा भी है कि 94 के बाद एक नैतिक आंदोलन चला था बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जब बहुत तेजी से पेड़ों की कटाई होने लग गई, जंगल के जंगल स्वाहा हो गए, अग्नि का तांडव नृत्य हुआ, उसके बाद एक मुहिम चलाई गई मैथी आंदोलन। और उस मैथी आंदोलन में ये दृष्टिकोण था कि जब भी बेटी ब्याह करके अपने ससुराल जाएगी तो उसके माता पिता अपने बेटी और जवाई को विदा होने से पहले उनको पेड़ देंगे, एक पेड़ तो उनके आंगन में रोपा जाएगा जवाई के द्वारा जहाँ बेटी जहाँ से जा रही है, और जब बेटी अपने ससुराल जाएगी अपने घर जाएगी ब्याह करके तो वहाँ वो पेड़ को लगाएगी। तो उसके पीछे पर्यावरण का दृष्टिकोण था, लेकिन उससे कहीं बड़ा जो था एक आत्मीय रिश्ता, एक आत्मीय रिश्ता, और वो पेड़ में ही अपने भाई को, अपनी भौजाई को, अपने माता पिता को और अपने तमाम जो सुंदर थे वो लोग उससे जुड़े थे। और कुल मिलाकर के मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पेड़ इसमें एक सिंबल है, उसके प्रेम का, स्नेह का, आखिर कोई चीज तो ऐसी हो जो चीज हमेशा याद दिलाए कि आपकी जड़ें कहाँ हैं। आज समस्या ये आ रही है कि हम जिस जगह से उठ करके आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हम जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हैं अनुभव हमको होता है, धन दौलत की कमी नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो पुराना, जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारी जड़ें हैं, जमीन है, उनसे हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इन उपन्यासों में ये पेड़ देने के पीछे एक ही उद्देश्य रहा है कि जिस जगह से आप आ रहे हैं उठ करके, उस जमीन को, उस माटी को आप नहीं भूलें, और ये पेड़ इसमें सक्षम रहे हैं, इन्होंने अपने उन पात्रों को, अपनी उन जड़ों को नहीं भुलाने दिया। सुंदर बात। एक बहुत विचित्र बात सामने यूं आई, ऐसा आपके पूर्व लेखन में भी नहीं आया, पूर्व के लेखन में भी कहीं प्रेम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये जो रिश्ता, कैसा रिश्ता है आपका लेटेस्ट उपन्यास है, इसमें आपने
आदर्श प्रेम की स्थिति को भरपूर लिखा है, मतलब लेखन के दौरान जिया है, लिखा ही नहीं। इसके संबंध में आप कुछ बताएं। देखिए, प्रेम को लेकर के अनेकों मत मतांतर है, वो यहाँ डिबेट का समय नहीं है। दूसरी बात, मेरा निजी सोच ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके बारे में तर्क वितर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उनको केवल और केवल आत्मा से, दिल से महसूस किया जाता है। प्रेम भी उनमें से अपने आप में है। पहले जो कहानी संग्रह आया था पापा फिर का बाबा, उसमें दो कहानियां थी, एक तो सूर्योदय थी और एक वापसी। उनमें ये थोड़ा कोशिश की थी प्रेम को बीच में लाने की, लेकिन इस उपन्यास में प्रेम जो है उस प्रेम के ऊपर ही नहीं है, बल्कि प्रेम का एक नया अलौकिक रूप इसमें आपको देखने को मिलेगा। आज के परिवेश में हम प्रेम की परिभाषा अगर देखें तो वो अलग हो चुकी है। प्रेम असल में किसी को कहने से नहीं होता कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो दिल से होता है, आत्मा से होता है। आप अगर किसी के प्रति आपके मन में एक चाहत है, तो आपके व्यवहार में, आपके नजरिए में, आपकी सोच में वो तमाम चीजें प्रकट होती हैं। आवश्यक नहीं है कि उस प्रेम को, वो सपना, उसका इजहार आप शब्दों के माध्यम से करें। जैसे इसमें पूरन और पद्मा का प्रेम आप देखेंगे, वो जीवन भर दोनों एक दूसरे के से डोर से बंधे रहे, लेकिन अंत तक ये महसूस नहीं होने दिया, उसको प्रकट नहीं किया दूसरे पर, लेकिन जो भी उनकी आपस की सोच थी, उनका विचार था, वो जीवन भर एक दूसरे के लिए सोचते रहे। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि प्रेम को दिखावा होना कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपका किसी से स्नेह है, किसी से आप अगर किसी की चाहत है, तो उसको आप अपने व्यवहार से, अपने रचनाओं में, अपने विचार से उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। ठीक कहा, लेकिन प्रश्न वहां अटकता है जब आज के परिवेश में हम देखें कि आपने जो व्यवस्था रखी है, इसमें दैहिकता नहीं है, शरीर कहीं नहीं है, पद्मा और पूरण के बीच पूर्व उपन्यास में कहीं नहीं है, एक शब्द भी नहीं है। जब पूरण की आंख में पद्मा का शरीर का कोई अंग चमका हो, उसकी सुंदरता को लेके, उसके अलग व्यवहार को लेके, मतलब आपने इतना पाक रखा है उसको कि कहीं ऐसा लगता ही नहीं, कहीं आकर्षण पैदा हुआ है किसी वजह से, वो इतना नेचुरल आया है कि हो गया। जबकि आज का जो अपना युग चल रहा है, इसमें हम जी रहे हैं, उसमें सारी वर्जनाएं तोड़ दी। अब तो लिविंग रिलेशनशिप की बात है, तो शरीर का भी कोई ऐसा नहीं रहा कि लड़का लड़की या कुछ स्त्री पुरुष सत्संग रह रहे हैं तो शरीर की कोई बाध्यता या सीमाएं हैं उनके रहने में। प्रेम फिर भी नहीं है, वहां प्रेम नजर नहीं आता है, लेकिन आपने अद्भुत कल्पना की और इसको ऐसा लिखा कि वो एक साकार रूप ले गया। तो इससे आप कौन कौन सी वर्जनाएं तोड़ना चाहते हैं, लिखने का मौजू क्या है, कारण क्या है? देखिए, प्रेम का परिभाषित करने का जो दृष्टिकोण है वो आज के दौर में, चाहे वो लेखकों ने कहें, विचारकों ने कहें, उसको बिल्कुल बदल दिया। ठीक है, प्रेम जो है वो असल में कोई दैहिक आकर्षण से या शारीरिक सौंदर्य से या उसके रूप रंग से, इससे प्रेम को परिभाषित किया जाने लगा कि उसका रूप रंग देख करके आपको अच्छा लगा, उसका बोलचाल देख करके आपको अच्छा लगा, या उसकी पर्सनैलिटी देख करके आपको वो आंखों में अच्छा भाग गया, तो उसको हमने प्रेम का एक प्रतीक मान लिया। लेकिन वो क्या होता है, वो एक दैहिक आकर्षण जो है वो अल्प समय के लिए होता है। आज अगर वो ठीक है, उसका अच्छा शरीर है, सुंदरता है, लेकिन कल को शरीर नश्वर है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आएगा, तो वो एक तरह का अल्पकालिक होता है। और इसीलिए आपने ये महसूस भी किया होगा, पढ़ा भी होगा, नोट भी किया होगा, ऐसे जो रिश्ते हैं वो बहुत लंबे नहीं चलते, बहुत अल्प उनकी आयु होती है। असल प्रेम ये है, उसका एक लंबा लंबा नाता होता है, लंबा रिश्ता होता है। ना उसमें उसके किसी तरह की कोई चाहत है, चाहे वो लेने देने की चाहत हो कि वो मुझको कुछ देगा, मैं उसको कुछ दूंगा, या उसका कोई आकर्षण हो किसी भी चीज को लेकर के, इस तरह का प्रेम में नहीं। इसीलिए इसको उदात्त प्रेम की श्रेणी में रखा जाएगा। और श्री भरिहार का देखें, प्रेम देखें, हीर राजा का देखें, का देखें,
और भी कई तरह की प्रेम कहानी आई है, उनमें कहीं शारीरिक सौंदर्य को लेकर के, सुंदरता को लेकर के इस तरह का कहीं नहीं है। तो ये इसमें कोशिश की गई है कि ठीक है, पद्मा ने ऐन वक्त पर उसको जब जवाब थी पूरन को, उसकी मदद इसलिए नहीं की कि पद्मा एक युवती थी और वो एक युवक था, बल्कि मानवीय संवेदना उसके साथ जुड़ गई थी, मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख करके उसने आड़े वक्त में उसके काम आई। फिर धीरे धीरे उनके बीच में वो कैसे एक दूसरे की चाहत बन गई और वो प्रेम का एक इस तरह का रूप उन्होंने ले लिया जो जीवन भर एक दूसरे से डोरी से बंधे रहे। दूसरी खूबसूरती जो सबसे प्रमुख है, जिसने आपके लेखन को बहुत समृद्ध किया है और ये बात शुरू से नजर आती है, वो है उत्तराखंड की आंचलिकता। इसमें भी आपके ये कैसा रिश्ता में भी भरपूर है, और ऐसा नहीं है इससे पूर्व जो लेखन किया आपने और जो चार उपन्यास है उनमें भी नजर आता है। तो इतने सौंदर्य से भरा पूरा पृथ्वी का वो हिस्सा जो हमें बहुत सौंदर्य, हमें बहुत आकर्षित करता है, वो आपने खूब लिखा। वहां के तीज त्योहार, विशेष त्योहारों बनने वाले व्यंजन, वहां के गीत, थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट होती, खूब लिखा है आपने और तारीफ के काबिल है, लेकिन क्या उतना सुंदर वहां के लोगों का जीवन है जो उस वादियों में रह रहे हैं, और है तो किन मायनों में है, थोड़ा सा ही? यह बिल्कुल सटीक प्रश्न है। और आपने जब इन उपन्यासों को पढ़ा होगा, कहानियों को भी पढ़ा जी, तो पढ़ते वक्त पाठक को ये महसूस होना लाजमी है कि क्या कहीं इसमें कोई छद्मवृत्त नहीं है, कहीं ऐसा है। मैं बिल्कुल आपको ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो बचपन है जी, वो पूरा का पूरा उत्तराखंड में बीता है और मैंने अपने होश संभालते तक वहाँ जिया है। प्रत्येक चीज को बिल्कुल इतना ही है और इससे भी कहीं अधिक है। लेखन में उस चीज को पूरा उतार नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक है। वहाँ भले ही प्राकृतिक विपदाएं आती हों, कई तरह की कष्ट हैं, लेकिन कई तरह के अभाव हैं, जो शहरों में जिस तरह की समृद्धियां हैं, शहरों में जिस तरह का सरलता है जीवन की जी, वो सरलता वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी, अभाव के होते हुए भी, लोगों के मन में इतना ज्यादा एक दूसरे के प्रति स्नेह है, एक दूसरे के प्रति इस तरह की भावनाएं हैं जो उनके हर व्यवहार में, हर तीज त्योहार में वो सामने आती है। इस उपन्यास में भी एक जगह आप पढ़ेंगे कि जब एक त्योहार आता है जिसको हम हरियाला बोलते हैं जी जी जी, और हरियाला में जब छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को जो बड़े बूढ़े हैं घर के माँ बाप हैं, दादा दादी है, वो उस बच्चे को 7 दिन तक 9 दिन तक वो हरियाला बोया जाता है, ठीक है। और जब वो जिस दिन त्योहार होता है उसको चढ़ाया जाता है शगुन के प्रति, ठीक है। और पद्मा की माँ का ध्यान उसी हरियाले से ठीक पहले हुआ होता है जी, जी। तो वो अपने घर की देहरी में बैठी हुई अपनी पुरानी स्मृतियों में चली जाती है और आंखों से उसके आंसू आ जाते हैं। तो जो मोहल्ले की, जो उसकी मोहल्ले की चाची है, ताई हैं, दादियां हैं, वो आकर के उसको गले लगाती हैं और उसको हरियाला चढ़ाती हैं, तो भूल जाता है व्यक्ति अपने दुख दर्द को। ऐसी तरह की स्मृतियां हैं। इसी तरह से बसंत पंचमी का एक त्योहार होता है जी। तो उसमें बसंत पंचमी के त्योहार पर प्रत्येक के घर में जो पुष्प हैं, पीले रंग के फूल हैं, वो देहरियों पर लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की देहरी पे लगाएगा। इसी तरह का एक फूल संक्रांति का त्योहार आता है। अच्छा। फूल संक्रांति में आप कितना ही आपका आपस में पहले मन मुटाव हो, लेकिन उनके घर के बच्चे फूल ला करके एक दूसरे के पूरे जितने भी मकान हैं, जितने भी घर हैं, सबकी देहरियों पर
फूल रखते हैं शगुन के तौर पर, इस तरह की और भी कई चीजें हैं। तो निसंदेह ठीक है कुछ शहरीकरण की या चपेट में पहाड़ भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज भी जो मौलिक वहां का जो चिंतन है, वहां का जो मौलिक जीवन शैली है, आज भी वो कहीं ना कहीं वही उसके आसपास ही है। जब कभी किसी की मदद करने की बारी आएगी तो एकजुट हो जाते हैं। इस उपन्यास में आपने पूरन के जो मामा कुशाल सिंह है, जो प्रधान है, उनका एक आपने देखा होगा कि जब बारी आती है कि फसल कटाई की, तो फसल कटाई में पूरे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और ये तय होता है कि मुहूर्त निकाल करके पहले प्रधान जी के खेत से फसल की कटाई होगी। तो प्रधान जी वहाँ एक आदर्श चरित्र के रूप में उठ खड़े होते हैं और जो एक उनकी रिश्ते में भाभी लगती है गांव में, और वो कहते हैं कि नहीं, इस बार फसल कटाई का जो आरंभ है वो इनके खेत से होगा, क्योंकि इनके जो खाने कमाने वाले जो पति थे इनके साथ काम करने वाले, उनकी पिछले महीने ही डेथ हो जाती है। तो इस तरह का ये नहीं कि केवल अपने अपने लिए जी रहे हैं, बल्कि वहाँ ये सिखलाया गया है कि किस तरह से दूसरे के लिए जिए, किस तरह से दूसरों के लिए सोचें। तो ये तमाम बातें हैं। प्राकृतिक छटा तो है ही, वो उसकी तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोगों का निश्चल व्यवहार है, जो उनका सद प्रेम है, सदा सहायता है, ये तमाम बातें ऐसी रही हैं जिनको मैंने काफी नजदीक से देखा भी है, महसूस भी किया है और उनको जिया भी है। और यही कारण है कि जब भी कहानियां उपन्यास लिखने बैठते हैं तो पात्र खुद ब खुद वो सब करवा बैठते हैं जो कि मैंने देखा है, महसूस किया है और समझा है। कई बार ऐसा लगता है आपके लेखन को पढ़ते हुए, जैसे एक छोटा सा स्नैप अपन लें, कैमरे से शूट करें कि कोई मेहनत कश महिला पत्थर ढोती, पत्थर तोड़ती, अचानक धूप में किसी छाया की जगह आ जाए और झट से अपना पल्ले से मुंह पसीना पहुंच के आपसे मुस्कुरा के हंस के बात करने लगे, तो जैसा श्रम का सौंदर्य उसके चेहरे पर नजर आएगा, वैसा ही सौंदर्य उन वादियों में जिनका आपने अपने उपन्यास में जिक्र किया है, वहां के लोगों पर किया है, वो भी श्रम साध्य तो हैं। पहाड़ का जीवन बड़ा विकट पहाड़ सा होता है, लेकिन उनकी जो जीवन शैली में सहज सरलता है, जो सद्भावना है, एक दूसरे के साथ खड़े होने जीने और एक दूसरे के दुख सुख शेयर करने की जो भावना है, पल्लवित हैं, आज तक बढ़ रही हैं, अभी भी हैं, वो अद्भुत। मैं तो कहता हूं आपके लेखन की ये भी एक उपलब्धि है बहुत बड़ी कि इस रचना संसार से आपने ये पाठक को परोसा है कि देखो भाई, मुश्किल जीवन तो सब जगह है, लेकिन हमें उनसे सीख लेनी चाहिए जो एक पहाड़ी जीवन जी रहे हैं। कोई सुविधाएं नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने में आदमी को पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपने बड़ा कमाल किया हुआ है इन सब में। तो कुल मिला के बात यह है कि लोग तो आश्चर्य करने लगे हैं इस बात पर कि ये पहले ये कहते थे कि डॉक्टर सूरज सिंह ने ये जो है बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी है, पता नहीं कैसे समय निकाल लेता है और बातों के लिए, अब ये लग रहा है कि आप कैसे लिख लेते हो। कई बार ऐसा भी लगता है कि क्योंकि इतना लेखन जो है ये किसी एक आदमी के संग जुड़ी घटना नहीं हो सकती। जी जी बिल्कुल, जैसे आप अपने वहां से आए, फिर आप अन्य शहरों में आए, वहां आपने अपना लेखन पढ़ना शुरू किया, अपना जीवन शुरू किया, तो इतने पात्र लेके नहीं आता है आदमी, विशेष दो चार पांच जो होते हैं उसके जहन में रहते हैं, लेकिन आप पांच उपन्यास लिख लिए आपने चार, और इतने पात्र उसमें सामने आए। तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो ये आपकी संवेदनशीलता है जिनको आप देखते हैं, महसूस करते हैं और आपके ब्रेन को और मस्तिष्क को चुभन देता है, हर्ट करता है, इसके बारे में कुछ बताएं कि ये कैसे संभव हो पाया, इसके पीछे प्रेरणा मां की है या कहीं और से है कि आप इतने संवेदनशील बने। देखिए सक्सेना साहब, मैंने पहले भी जो आपका अपना इंटरव्यू हुआ था उसमें ये चीज को मैंने बताया भी था जी, जी, जी। कि लिखने की प्रेरणा पूरी मेरी माँ की रही है जी।
और जो भी आज कुछ है वो सब माँ के आशीर्वाद से ही है, चाहे संवेदनाओं की बात करें, चाहे कठोर परिश्रम की बात करें, और जिस रोजी रोटी से हम जुड़े हुए हैं उसको पहले तवज्जो देने वाली बात है, ये सब माँ का ही है। और लेखन का में संवेदनशीलता जब तक नहीं होगी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, सबका अपना विचार है, तो वो लेखन में मानता हूँ कि अधूरा है। क्यों? क्योंकि लेखन तभी सामने वाले पाठक को या जब दर्शक उसको देखेंगे किसी एक्ट के जरिए, वो तभी बांध सकता है जब तक कि उसमें संवेदनशीलता नहीं हो। आप दूसरे के दिल के तारों को जब तक जागृत नहीं कर देंगे, बिल्कुल सही, तो वो लेखन किसी काम का नहीं रहेगा। और ये कोई बनावटीपन नहीं है, ये खुद ब खुद जब लेखनी चलती है वो कहाँ से इतना चीज आ जाती है, माँ बिना पानी ये सब करवा देती है। तो संवेदनशीलता हो सकता है कि बचपन में मैंने इस तरह की चीजें देखी हो, या वहाँ का जो जीवन कष्ट भरा रहा हो, माँ का साथ रहा हो, उस कारण से संवेदनशीलता आना एक लाजमी है। और अब जो मैं जिस काम से जुड़ा हूँ, जिस कार्य क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग एक दिन में सैकड़ों की संख्या में हमारे पास में लोग आते हैं जी। और उनके कई बार तो इस तरह का वाक्य आता है कि उनको देख करके आंखें डबडबा जाती हैं। हम उसके लिए कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो एक मर्यादा है। सरकारी तंत्र में हम हैं, कई चीजें ऐसी हैं कि हमारा दिल अंदर से कहता है कि इसको काश इसको हम ये काम उनको करना चाहिए, लेकिन जब मदद करने की बारी आती है, उसकी फाइलें वगैरह देखते हैं, तो बात ये आती है कि ये उस नियम में नहीं आ रहा है, तो वहां मन महसूस करके रह जाना पड़ता है। और वो हाथ जोड़े सामने इस तरह खड़ा रहता है व्यक्ति कि वो अपना सब कुछ सामने वाले को, अधिकारी को या कर्मचारी को वो मान बैठता है। तो ये संवेदनशीलता वहां से आती है। इस उपन्यास में एक जिक्र आता है, आपने गौर किया होगा, जब पूरन बैंक में एक बहुत बड़ा पदाधिकारी बन चुका है और वो कभी एक दौरे पर जाता है एक दिन सुबह सुबह, और वहाँ एक वाकया वो देखता है कि घर के बाहर एक व्यक्ति जो बैंक दूसरे बैंक के लोग हैं, वो जो गरीब आदमी है उसके कुर्की लेना जानता है। तो वो एक मेरे जीवन की एक साक्षात घटना है, वो इसमें मैंने जोड़ी है, और वो मैंने खुद इस चीज को महसूस किया है कि एक विधवा जिसके हस्बैंड की डेथ हुए अभी कुछ ही समय हुआ होता है, बैंक की कुर्की आ जाती है, कुर्की आने के बाद जो उसका गुजर बसर का जो तरीका है, साधन है, उसी को वो खत्म हो रहा है। और उसके पति की जो आखिरी निशानी है चांदी के कड़े उस महिला के पांव में, वहाँ का जो एक गांव का संभ्रांत कहलाए जाने वाला व्यक्ति है, वो उसके चांदी के कड़ों को काटने की फिराक में है कि इसके अवज में मैं तुझको पैसे दे दूंगा। तो मेरी खुद आंखों देखी ये, मैंने देखी है। तो ये कई लोगों से जब मिलते हैं, उनसे जुलते हैं, उनसे बातें करते हैं, और लगता है कि जैसे उनका दर्द है अपना दर्द है, लेकिन मजबूरी ये रहती है कि हम उनके लिए वो बहुत कुछ नहीं कर पाते जो हमें कर सकते हैं या करना चाहिए। तो संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है, और आप अगर सामने वाले व्यक्ति को इस नजरिए से आकलन करने लग जाएं कि काश इसकी जगह अगर मैं होऊंगा या मेरे कोई रिश्तेदार होंगे, मेरे बच्चे होंगे, तो उनके दिल में कितनी बड़ी पीड़ा होगी, कितना बड़ा दर्द होगा, तो मन इससे खराब होता है, और जो मन पड़ता है उसको हम करने की कोशिश करते हैं। उसको आप करके नींद भी दे सकते हैं, तो कम से कम उसके साथ अच्छा व्यवहार आप कर सकते हैं, उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, नहीं ना एक छोटा सा आखिरी एक प्रश्न जी, जो बहुत व्यक्तिगत है, नहीं जी ठीक ना लगे तो जवाब ना दीजिए जी। बड़ा बड़ा हंगामा है स्त्री विमर्श को लेकर, बड़े दावे किए जा रहे हैं हम स्त्री को मुक्त कर रहे हैं, ये है। मैं लंबी बहस में जाना नहीं चाहता, मैंने पहले कहा कि व्यक्तिगत बात है। जैसा मैंने सुनाया भाभी जी, मीना जी से बोला, डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं यहाँ के बड़े मशहूर शिक्षण संस्थान में वनस्थली, लेकिन आप कहीं कहीं मैंने सुना आपसे, आपने डाइस पे ये भी कहा कि उनका बड़ा सहयोग मिलता है। तो एक बेबाक बात यह है कि
उस सहयोग को जरा सा बताएं आप कि उनका इसमें लेखन में इंटरफेरेंस कितना होता है या सिर्फ इसकी कॉपी करने में या इसको फाइल करने में तक सीमित होता है। देखिए सक्सेना जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे जीवन में पहले मेरी माँ का बहुत बड़ा शुरू से बहुत बड़ा योगदान रहा है इस मुकाम तक पहुंचाने में और उसको रोशनाई देने में। मेरी पत्नी डॉक्टर मीना सिरोला जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है और उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता इतना मेरा उनके लिए दिल में इज्जत है। माँ तो खैर माँ ही होती है, उसका स्थान तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन डॉक्टर मीना जब से मेरे जीवन में आई है तो मेरी जीवन की दिशा बदल चुकी है कई मायनों में, मेरे लेखन को लेकर के कहें, मेरे जीवन का सोच का तरीका है, कई बार संवेदनशील चूंकि मैं बचपन से रहा हूँ अभी भी हूँ, कई बार कई चीजें चुप जाती हैं, कोई कड़वाहट में कुछ कर तो उसको पूरा का पूरा पीछे से एक सपोर्ट देने वाला जो होता है हाथ कहें जिसको कि ठीक है कोई बात नहीं, तो वो मेरी पत्नी मीना जो है उसको सपोर्ट करती है। रही लेखन की बात, तो लेखन में मेरा जो मैं निखार तो नहीं कहूँगा अपने मुँह से, लेकिन जो भी मैंने महसूस किया कई बार मैं जब लिखने बैठता हूँ तो लिख दिया प्लॉट कोई भी, लेकिन उसको पहले सबसे पहले मैं मेरी पत्नी को वो पढ़ती हैं और बेबाकी से वो बिल्कुल अपनी राय व्यक्त करती कि ये चीज मुझे अच्छी लगी या चीज अच्छी नहीं लगी, तो जब अच्छी नहीं लगती है तो फिर उसको मैं वापस उसको रेक्टिफाइड करता हूँ। इस उपन्यास के साथ एक बहुत अहम जो चीज जुड़ी हुई है ये कैसा रिश्ता में, जब मैंने पहले भी इसमें जिक्र किया आवाज के अंदर आएगा, मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया था कि क्यों नहीं लिखते करके वो स्टार्ट किया, लेकिन आप ताजुब करेंगे कि इसको लिखने में रिराइट किया है पूरा का पूरा उपन्यास। जब इसको एक बार लिख दिया हमने, लिखने के बाद उन्होंने इसको पढ़ा डॉक्टर मीना ने, तो फिर ये कहा कि ये इसमें ठीक नहीं बैठ रहा इसको, तो फिर दोबारा उसमें दर्द बहुत होता है एक लेखक के लिए कहना कि आप उसको रिराइट करें, तो वो वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजरता है, क्योंकि लिखने का ये अर्थ नहीं कि आप एक दिन में एक रात में, कई कई रात कई महीने लगते हैं। तो उसको पूरा रिराइट किया, 15 या 16 बार इसको हमने एडिटिंग किया, वो डॉक्टर मीना मेरे जितने भी कृतियां हैं चाहे वो कहानी संग्रह हो चाहे उपन्यास हो चाहे और भी कोई चर्चा होती है इस चीज को लेके, तो उनका पूरा सपोर्ट है। तो जहां तक स्त्री विमर्श की आपने बात बताई, स्त्री और पुरुष दोनों इसको स्त्री पुरुष नहीं मान करके बल्कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, गाड़ी के पहिए की बात हम बात करें तो एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो स्त्री विमर्श में यही बात रहती कि स्त्री की आज अपने आप में एक समाज में प्रतिष्ठा है, उसका स्थान है, और नहीं है तो उसको स्थान मुकाम देना चाहिए, और वो केवल किताबों में लिख करके खाली भाषणबाजी से नहीं होगा, उसको दिल से सम्मान देकर के उसका व्यवहार में उतार करके हो सकता है। तो मेरे लेखन में और जो पूरी मुहिम चलाई हमने वृद्धि विमर्श की है, चाहे पाती अपनों को मुहिम है, इसमें डॉक्टर मीना जी का बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर उनका सहयोग नहीं मिलता तो शायद मैं उतना कुछ नहीं कर पाता जो मैं कर पा रहा हूँ, ये सब उनका सहयोग है, इसलिए मैं उनका भी बहुत बड़ा इसमें शुक्रगुजार हूँ। नहीं, हम भी आभारी हैं, क्योंकि एक लेखक को लेखक बनाने में इतनी समर्थ विवेकशीलता के साथ भाभी जी खड़ी हैं, और उनका सुख तो यही है कि नेगी जी को लोग ठीक से पहचाने, उनके लेखन को ठीक से पहचाने, यही सुख है उनका। हम उनके सुख के लिए एक दीर्घ कामना करते हैं, उनको ऐसा सुख और यश नेगी जी को मिलता रहे जीवन भर। और आज के इस कार्यक्रम के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।